दोस्तों माय नॉलेज शेयर में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं पीएसए ऑनलाइन सर्विसेज का न्यू पोर्टल अपग्रेड हो गया है। यहां से आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट पे क्लिक करना है। जो एप्लीकेशन पेंडिंग होगा वो पेंडिंग एप्लीकेशन में दिखाई देगा, जिसका ई साइन पेंडिंग होगा वो ई साइन के अंदर दिखाई देगा। आप जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें सब दिखाई देगा। और उसके बाद यहां आपको एक अपलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि यहां से आपको क्लिक करने के बाद वो आपको दिखाई देगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते हैं। तो दोस्तों यहां से हम पीएसए का जो ऑनलाइन पोर्टल अभी जो अपग्रेड हो गया है इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यहां डॉक्यूमेंट है वो अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पेंडिंग हो गए वो यहां हमको शो हो जाएंगे। वहां पे हमें अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा और जो डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड किए होंगे वो व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर बता दिए जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम रहेगा वो हमें व्यू डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं बता दिया जाएगा और वो पेंडिंग एप्लीकेशन के अंदर हमें बता दिया जाएगा। तो ये हम यहाँ से जो अपलोड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से रीजनरेट जो एप्लीकेशन है वहाँ पे हमें बता दिया जाएगा। यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं उसको अपलोड कर देना, उसके बाद रीजनरेट। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑल रजिस्टर केसेस, उस पर चले जाना है। वहाँ पे आपने जो भी पैन कार्ड अभी न्यू बनाया है वो सबका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स है, वहाँ आपने जिसका पेमेंट सक्सेसफुल किया वो बता दिया जाएगा। उसके बाद फिजिकली पैन है। उसके बाद यहाँ पे हम करेक्शन का देख लेते हैं, तो करेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, पेंडिंग एप्लीकेशन और ई साइन पेंडिंग एप्लीकेशन सब यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ सब सही तरीके से भरा है तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए लिस्ट मिल जाएगा। और जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट किए हैं वो व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं। उसके बाद जनरेट बैच करने का इसमें ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। उसके बाद ऑल रजिस्टर केसेस देख सकते हैं, पेमेंट देख सकते हैं। और उसके बाद फॉरेन सिटीजन के लिए अगर आपने पैन बनाया है तो उसके रिगार्डिंग है। पैन आधार लिंक का प्रोसेस है। फिर आप देख सकते हैं अगर ऑब्जेक्शन में आया है तो वो ऑब्जेक्शन भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 49A ऑब्जेक्शन है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 49 करेक्शन का ऑब्जेक्शन है, CSF का ऑब्जेक्शन है तो वो भी सर्च कर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। MIS का जो रिपोर्ट है वहाँ आप पेमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसमें आपको अमाउंट डालना होगा, उसके बाद रेफरेंस नंबर, उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके जो एडमिन है उनके पास उसका रिक्वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद अकाउंट बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं, कितना भी बैलेंस है आपका, ट्रांजेक्शन कितना हुआ है पैन कार्ड का वो भी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे ट्रांजेक्शन डिटेल के अंदर। उसके बाद ट्रैक पेन एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड कर सकते हैं, मतलब अभी तक आपने न्यू पैन कार्ड कितने बनाए वो सभी यहां से आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद आप प्रोफाइल का चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहां पे आपको सभी डिटेल दी गई है जानकारी के लिए, तो आप फॉर्म कैसे भरना है इसकी शॉर्ट डिटेल यहाँ पर दी गई है, जो कि आप देख के इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं पीएसए ऑनलाइन का भी। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल सिलेक्ट कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल सभी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये पीएसए अपग्रेड का जो पोर्टल है वो उसकी जानकारी मिल सके। और सभी पीएसए वीएलई भी इसको ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपको भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो सॉल्व हो सके। चलें दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।